मैं अब इस सत्र के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर परमानंद पांचाल साहब से अनुरोध करता हूं कि वो अभी दक्षिणी भाषा को लेकर, क्योंकि हमने सुबह भी ट्रेन दिए थे, तो थैंक यू सर। नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद की ओर से आयोजित इस दो दिवसीय सम्मेलन के इस अंतिम चरण में जो हम समापन समारोह के लिए यहाँ बैठे हैं, सबसे पहले मैं उनके अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश अवस्थी, वेंकटरमन जी, कट्टीमणि जी और मैडम, इनके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जिन्होंने इस कार्य को सफल बनाने में योगदान दिया है, वो सब यहाँ उपस्थित विद्वान और विदुषी हैं जिन्होंने बड़ी निष्ठा और अपने मनोयोग के साथ लोगों को सुनने, समझने और जिज्ञासा व्यक्त करने में समय लगाया। ये हमारी इस गोष्ठी और इस सम्मेलन की सफलता का ही प्रतीक है। बंधुओं, दक्षिणी की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? मैंने जब से लिखने के लिए कुछ होश संभाला तो मैंने सबसे पहले किताब लिखी थी हिंदी के मुस्लिम साहित्यकार, और उसमें दिनकर जी ने उसकी भूमिका लिखी थी, तो उसमें मैंने दो चैप्टर, एक नवरस पर इब्राहिम आदिल शाह के और एक वजई पर, दो उसमें मैंने दक्षिणी के जोड़े थे। बहुत दिनों की बात होगी, मैं समझता हूँ कि मैं 50 साल से ये सोचता आ रहा था कि ये कार्य कैसे हो। मैं जब सरकार की सेवा में था तो मुझे ध्यान आया कि मुझे इस पर कुछ कार्य करना चाहिए, बहुत रेयर काम कुछ दक्षिणी का था, तो मैंने अपनी एक सिनोप्सिस तैयार की और मुझे पता लगा कि दक्षिणी का काम जो है हैदराबाद में है, तो मैं श्री राम शर्मा के, जैसा इन्होंने बताया, उनके पास गया, कोई वो घासी बाजार या क्या था जहाँ वो रहते थे, तो उनसे सिनोप्सिस उनके देखरेख में तैयार की और जब अपनी यूनिवर्सिटी को सबमिट की, वो कहने लगे नहीं भाई ये कुछ नहीं है काम, ये तो हम तो इसमें नहीं जानते कुछ भी। तो मैंने किया, फिर कहने लगे अच्छा ये नहीं, तो ये तो दक्षिणी के ना शब्द जानते हैं यहाँ पर उत्तर में ना कुछ, आप इसकी पारिभाषिक शब्दावली बना दो वो टालने के लिए। तो मैंने स्वीकार किया और दक्षिणी हिंदी के कवियों की पारिभाषिक शब्दावली पर ही मैंने शोध ग्रंथ तैयार किया, क्या क्या टर्मिनोलॉजी उसमें आती है, कवियों ने कौन कौन से शब्द रखे हैं उसी पर। खैर ये तो मैंने एक बताई, तो बात ये है कि मुझे ये लगा कि दक्षिणी के बगैर हिंदी साहित्य का अध्ययन अधूरा है, हम पूरे साहित्य को समझ नहीं सकते, उसके विकास प्रक्रिया, उसका जिस तरीके से डेवलपमेंट अलग अलग चरणों में हुआ है, दक्षिणी के बगैर वो बिल्कुल अधूरा है। रामचंद्र शुक्ल का इतिहास है, और भी कई इतिहास है, जैसे कि बता रहे थे बच्चन सिंह, वो मैंने नहीं देखा किसी ने दक्षिणी, ऐसे तो महापंडित राहुल सांकरतयान ने भी दक्षिणी काव्यधारा लिखी, लेकिन श्री राम शर्मा का मूल है, और बाबूराम सक्सेना ने, कल भी उसका उल्लेख था, लेक्चर दिए थे हिंदुस्तानी अकादमी इलाहाबाद में, उनका संकलन हुआ और मैं समझता हूँ सबसे पहला काम हिंदी में वो आया, उसी के साथ साथ ये दोनों तीनों काम हुए। और
ये काम आगे बढ़ा लेकिन आगे नहीं चला, क्योंकि साहित्य ने उसको स्थान नहीं दिया, विश्वविद्यालयों ने उसको रिकग्निशन नहीं दी। इसलिए नहीं, एक दो जगह किताबें लगी, कुछ चला, लेकिन वो सब व्यर्थ गया। जो काम होना चाहिए था उसके लिए उत्साह पैदा नहीं हो पाया। तो मैं अनेक बार ये सोचा, जब मैं साहित्य अकादमी में सवेरे भी ये बात कर रहा था, तो साहित्य अकादमी में भी मुझे ये इच्छा हुई कि इस कार्य को कैसे बढ़ाया जाए, उनके भी सिलेबस कहिए या कार्य क्षेत्र में कुछ नहीं था। वहाँ इसके हिंदी की एक सलाहकार समिति होती है, उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं था। फिर भी एक कार्य चलते चलते जो मुझे सौंपा या मैंने जिज्ञासावश उसको लेना चाहा, तो एक ये किताब सामने आ पाई। ये मैं नहीं समझता कि एक बहुत बड़ा काम है, और चूँकि कुछ काम हुआ है इसलिए न होने से कुछ है। मुझे उम्मीद है कि इस कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। ये बढ़ाए जाने के लिए इसके तरीके हैं। अब मैं दक्कनी पर कोई बात नहीं करके, दक्कनी को कैसे बढ़ाया जाए इसी पर हम लोगों को थोड़ा अपने आप को केंद्रित करना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि विश्वविद्यालयों की जो आपकी टेक्स्ट बुक कमेटी होती है, उसमें किसी रूप में, पेपर के रूप में, विषय के रूप में, जैसे प्रयोजनमूलक हिंदी की बात थी, जब मैं सरकार की सेवा में था, मैं संघ लोक सेवा आयोग में निदेशक डायरेक्टर रहा और राजभाषा विभाग से जुड़ा, तो हमारे पास सरकारी सेवा में जो हिंदी अधिकारी आदि के लिए जो आते थे लोग, वो हिंदी जानते थे लेकिन जो व्यावहारिक ज्ञान है कार्यालयों का, दफ्तर का, उसकी बाबत शून्य थे। तो बड़ी समस्या हुई कि राजभाषा विभाग, राजभाषा को कैसे लागू किया जाए। मैं संघ लोक सेवा आयोग के उसमें जब एडवाइजरी बोर्ड में जाता, तो जो कैंडिडेट वहाँ आते हिंदी अधिकारी की पोस्ट के लिए, तो मैंने एक दो दफ़े पूछा उनसे, आप हिंदी में आपके विशेषज्ञता क्या है, कौन से पेपर आपने लिया विशेष, कोई सूरदास कहे, तुलसीदास कहे, कोई रसास्वादन की बात करता था कुछ। हमने कहा इन सब चीज़ों से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो इसकी आवश्यकता महसूस करते हुए कि आप मेरे सामने एक अंग्रेजी का एक पेपर है, इसमें से आप दो लाइन अनुवाद कर दीजिए, ठीक है, जो उसमें असमर्थ है। तो आवश्यकता पड़ी तो एक सेक्रेटरी थे हमारे राजभाषा विभाग के पहले, रमा प्रसन्न नायक, आज वो नहीं रहे, मैंने उनके साथ काम किया, वो ICS थे। तो उन्होंने इस आवश्यकता को महसूस करते हुए कहा कि हम UGC को और यूनिवर्सिटी को एक कोर्स देते हैं कि आप इन्हें जो कार्यालय ज्ञान है, जो व्यावहारिक, जो फंक्शनल कार्य है, उसकी भी कुछ ट्रेनिंग दे करके भेजें, सिर्फ सूर तुलसी पढ़ा करके न भेजें हमें। तो वो हुआ और उसके बाद में प्रयोजन मूलक हिंदी का कोर्स चला। तो मैं बंदो इसलिए कहना चाहता हूँ कि आवश्यकता जो है वो ईजाद की माँ है। तो आज हमें हिंदी के मामले में यही आवश्यकता है, यही देख रहे हैं कि हिंदी का जो ज्ञान है, हिंदी पर जो शोध कार्य हो रहा है, हिंदी क्या है, इसको समझने के लिए दक्कनी हिंदी को पढ़ना समझना बहुत आवश्यक है। इस की आवश्यकता को अनुभव करते हुए मैंने स्वयं जब ये ऑफर दिया था और जब मेरा थीसिस वो स्वीकार नहीं कर रहे थे, मैंने कहा देखिए मैं एक अधिकारी हूँ सरकार में, मुझे आपके यूनिवर्सिटी में लेक्चरारशिप नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं करना है, मैं तो इस कार्य को करना चाहता हूँ, मेरा और इससे कोई। तब अपनी ही समझ से मैंने यहाँ इदारा अद्वियात उस्मानिया और हैदराबाद में काफ़ी दिन बैठ करके स्वयं ही फील्ड वर्क किया और स्वयं ही तैयार किया। तो इसके बाद में ये काम, मैं समझता हूँ कि मुझे उससे आत्मसंतुष्टि मिली और उसी का फल है कि मैं आज एक रिटायरमेंट के बाद भी, मुझे कुछ करना नहीं था, सरकार से आधी तनख्वाह मुझे पेंशन में मिलती है,
मैंने बड़े बड़े ऑफिसों को देखा है, कोई सम्मान की मुझे इच्छा नहीं है। मैं राष्ट्रपति के साथ में राउंड द ग्लोब रहा, मैं सब कुछ काम, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि हिंदी की जो आवश्यकता है, देश की आवश्यकता है, राष्ट्रीय एकता के लिए इस संपर्क भाषा की आवश्यकता है, और हिंदी को समृद्ध बनाने के लिए दक्षिणी की आवश्यकता है। तो ये कार्य मुझे आज बड़ी प्रसन्नता है देख करके। कट्टीमन जी जिस उत्साह के साथ, जिस ऊर्जा के साथ इस कार्य में लगे हैं, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा एक राष्ट्रीय कार्य है, और अगर ये पूरा होता है और ये यूनिवर्सिटी इसमें पहल करती है तो हिंदी का इतिहास बदल जाएगा, साहित्य का इतिहास बदल जाएगा, और एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस विश्वविद्यालय के नाम लिखी जाएगी। ये बंधु, ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। तो सबसे पहले तो जहाँ जहाँ आप लोग जो यहाँ पर प्रोफेसर्स बैठे हैं, लेक्चरर, अपनी अपनी यूनिवर्सिटियों में कुछ प्रोविज़न किसी रूप में दक्षिणी का कराइए। तो उससे क्या होगा कि डिमांड और सप्लाई का सवाल है, वहाँ से मांग आएगी कि हमें ऐसी किताबें चाहिए, हमें ये पढ़ना चाहिए, हमें वो देख, तो फिर वो प्रकाशक भी सामने आएंगे, प्रकाशक भी छापेंगे। अगर हम अब हिंदी की दक्षिणी किताब ये लिए बैठे हुए हैं हमारे, तो ये कहते हैं कि छापता नहीं, छापे कैसे, उन्हें मालूम है पब्लिशर को इसका क्या बनना है, कौन खरीदेगा इसको, क्यों पैसे लगाए जाएँ। तो सबसे पहले हमें उसकी आवश्यकता भी क्रिएट करनी होगी कि इसको बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों, उसके कॉलेजों के, यूनिवर्सिटियों के, तो ये जाएगी। तो एक तो काम ये किया जाए कि यूनिवर्सिटियों में इसको ला, क्योंकि लोअर लेवल पर तो मैं समझता हूँ कि अभी नहीं है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लेवल पर, पोस्ट ग्रेजुएशन पर या ग्रेजुएशन पर कुछ थोड़ा थोड़ा पोर्शन टैक्स का पहले दिया जाए टेक्स्ट बुक में, और स्पेशल पेपर एमए में कुछ रखा जाए। तो एक कार्य ये होगा। फिर उसमें आवश्यकता क्या पड़ेगी कि उस टेक्स्ट को पढ़ने के लिए उसका अर्थ जानना, वो भी हर एक के बस का नहीं है, हमारे हिंदी प्राध्यापकों के, उन्हें कहा जाए कि टेक्स्ट है आप इसे पढ़ा दीजिए। मैं समझता हूँ कि अब उर्दू वाले भी दक्षिणी को नहीं पढ़ा पाते, उनका एक सैचुरेटेड पॉइंट आ गया, उन्होंने जो उसको रखा कदीम उर्दू रखा, दक्षिणी उर्दू रखा, और इस तरीके से जो पढ़ाया गया वो जितना था उससे आगे वो भी नहीं बढ़ पाए, क्योंकि उसके पीछे, उस भाषा, उस साहित्य के पीछे एक संस्कृति छिपी हुई है। उस संस्कृति की तह में जाना केवल उर्दू फारसी के ज्ञान का वो नहीं है आवश्यक, उसके लिए भारतीय संस्कृति की तह में जाना होगा, उसके पीछे तसव्वुफ की तह में जाना होगा, ये सब। और एक ये दक्षिणी इतनी मिश्रित भाषा है, मैं समझता हूँ कि सबसे मिश्रित भाषा ये दक्षिणी है। इसमें 5-6 भाषाएँ तो सक्रिय रूप से जुड़ी, तब ये, और इसका आधार वो जो दिल्ली और मेरठ के आसपास की बोली है, जिसे हम कौरवी कहते हैं। कौरवी भाषा जो कुरुक्षेत्र की भाषा थी, वो कौरवी भाषा इसका आधार है। राहुल सांकरदायन जी ने उसको कौरवी कहा, और क्योंकि मैं राष्ट्र मेरठ के पास और दिल्ली के पास राजधानी के कारण एक विशेष जो क्षेत्र बना था, जब उसका विकास क्यों नहीं हुआ उत्तर में, कि मुगलों की राजधानी आगरा रही 1640 तक, शाहजहाँ के समय तक आगरा राजधानी थी, और आगरा ब्रज भाषा का केंद्र था, इसलिए ब्रज की तो उन्नति हुई, ब्रज में खूब लिखा गया साहित्य, लेकिन वो जो उपेक्षित, जिसको अमीर खुसरो छोड़ करके चले गए थे, वो कार्य अधूरा रह गया। उस कार्य वो करने के लिए जिस टाइम पर ये गुलबर्गा में ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज 90 साल की उम्र में यहाँ पर आए, 700 पालकियाँ दौलताबाद में आई सूफी संतों की दिल्ली से, तो इन लोगों ने इस कार्य को किया। उसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी थी कि जो जाट, अहीर और राजपूत मेरठ, रोहतक और दिल्ली के आसपास के फौज में भर्ती होकर के अलाउद्दीन के बाद
वो आए जब वो दौलताबाद यहाँ बसा, कुछ रह गए। अब उनको वो उन्होंने इस्लाम नया नया कबूल किया था, उनको मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए, क्या करो। अच्छा पहले भी यही बात थी, अब भी बिल्कुल मैं आपके हुक्म की तामील करता हूँ, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। मैं अब समापन करने जा रहा हूँ, हाँ इन्हीं को मौका देंगे। ये अध्यक्ष है, अध्यक्ष को अधिकार है वो कितनी देर बोले किसी को भी रोके। चलिए ठीक है, मैं कह रहा तो बंधुओं मैं ये कह रहा था नहीं मैं खत्म कर लिया। तो एक तो ये काम किया जाए, और दूसरे शब्दकोश, शब्दकोश के लिए मैंने साहित्य अकादमी में लिखा कहा, और उन्होंने मंजूरी दी है कि साहित्य ये शब्दकोश तैयार किया जाए, और मैंने नाम भी छांट लिए थे, लेकिन मैं फिर बिजी हो गया। हमारे सामने दो व्यक्ति तो यहीं बैठे हुए हैं, तो अगर वो वहाँ साहित्य अकादमी से नहीं प्रोजेक्ट हमारा बनता है, तो मैं समझता हूँ कि ये विश्वविद्यालय इसमें पहल करे और वो शब्दकोश तैयार हो। आज शब्दकोश उतना कठिन काम नहीं रह गया है, एक सबसे बड़ी चीज़ है कि आप एक वेबसाइट जारी कीजिए, आपके पास दक्कनी पर जो भी मटेरियल है, जो किताबें हैं, जो उसके लिए एक वेबसाइट आप दक्कनी पर जारी कीजिए। ये अभी तक कहीं काम नहीं हुआ है, ताकि कोई भी इस इल्म की तलाश में विदेश में भी अमेरिका में भी लोग खोजते रहते हैं, मुझसे कई मिले, एक डॉक्टर जोग्राफ आए, वो मुझसे बात की तो वो दक्कनी पर कुछ रिसर्च कर रहे थे, कई लोग हैं। तो वेबसाइट के जरिए आपका लिंक हो जाएगा पूरे वर्ल्ड में, और जो दक्कनी का अवेलेबल वो है एक यहाँ पर, उसके लिए आप एक पुस्तकालय के रूप में किताबों का जखीरा इकट्ठा कीजिए, जो जहाँ से दक्कनी पर अवेलेबल हैं उनको यहाँ इकट्ठा किया जाए, और उनकी सूची बनाई जाए। अब तो कंप्यूटर के उसमें बहुत आसान काम है, ये काम बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च की है, जो PhD के उनके थीसिस हैं, उनका पता लगे, और उनके यहाँ पर एक प्रति जरूर होनी चाहिए जो काम हुआ है, ताकि उस कार्य को देख करके मुझे सबसे बड़ी प्रसन्नता है कि नई पीढ़ी नौजवान लड़के लड़कियाँ इस कार्य पर आ रहे हैं। जिस समाज में, जिस संस्था में नौजवान नवयुवक एडोलेसेंट एज के लोग आएंगे, वो ज़रूर कामयाब होगी, और मुझे बिल्कुल निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि जो प्रोजेक्ट, जो कार्य आप लोगों ने, कट्टी मणि जी ने उठाया दक्षिणी का, इसमें निश्चित रूप से कामयाब होंगे। तो ये आप काम कर लिए। तो एक शब्दकोश, एक पदकोश की बात अभी आप कह रहे थे, पदकोश में क्या है कि उसके रेफरेंस का सही पता लग जाता है, नहीं तो अर्थ के कई अर्थ होते हैं, अनर्थ भी हो जाता है। लेकिन शब्दकोश भी, डिक्शनरी भी जरूरी है, एक डिक्शनरी बनाइए, उसको अल्फाबेट जो है आप का खा गा वाले नागरी के उसमें रखिएगा वर्णमाला में, और उसके ब्रैकेट में फिर पर्शियन फारसी लिपि में लिखिए, फिर उसका अर्थ लिख दीजिए, अंग्रेजी में भी, रोमन में चाहो तो रोमन में भी। तो तीनों में जो शब्द है, एक तो उसका तलफ़ क्लियर हो जाएगा। सबसे बड़ी समस्या उर्दू में यही है कि उर्दू फारसी में लिखे हुए में ज़बर ज़ेर पेश की मात्रा नहीं लगाते, इसलिए स्पीक एज यू लाइक इट, प्रोनाउंस एज यू लाइक इट की स्थिति बनी रहती है, और एक रूपता नहीं आती उर्दू के बोलने वालों की, कुछ शुमाल कहता है, कुछ शिमाल कहता है, आज तक ये निश्चय नहीं कर पाए उर्दू वाले भी खुद। तो ये जो वो है एक किस्म से कमी, ये नागरी लिपि में नहीं है, इसलिए नागरी लिपि को बेस बना करके आप इसके ऊपर कार्य कीजिए और इसका कोर्स तैयार कीजिएगा। ये कोर्स बन जाएगा, और उसके बाद में जो आपने ये बताइए, और फिर अपना काम कीजिएगा। मैं समझता हूँ मैं ज़्यादा अब नहीं बोलूँगा इस मामले में, बहुत कुछ कहा गया, और दक्कनी की बाबत तो मैं अब बिल्कुल नहीं बोलूँगा। मैं सिर्फ यही उम्मीद करता हूँ, इस आशा के साथ, विश्वास के साथ, कि ये कार्य आगे बढ़ेगा, और मुझे जो मेरी अपने जो एक स्वप्न है कि ये दक्कनी का काम बढ़े। लोग कहते रहते हैं इसका दिमाग खराब है, तो दक्कनी की बात करता रहता है दिल्ली में बैठा हुआ, तो इसमें मुझे कामयाबी मिलेगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने
मेरी बात को सुना और वो उसी तरीके से कि जिसे फारसी का न कुछ ज्ञान है सो दक्षिणी जबाँ उसको आसान। धन्यवाद सर।